पंजाब इंडियन स्टेट जिसके चर्चे पूरे दुनिया में हैं, और ये बात तो सबको पता है कि पंजाबी दुनिया के मोस्टली हर बड़ी कंट्रीज में होते हैं। तो चाहे बात यूएसए की हो, कनाडा की हो, यूके की, न्यूजीलैंड की और या ऑस्ट्रेलिया की हो, पंजाबियों का सभी जगह रुतबा है। पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसकी पोजीशन हर डाटा में बहुत आगे है। तो चाहे बात लिटरेसी रेट की हो या HDI के इंडेक्स की हो, तो आपको नॉर्मल बातें तो पता ही है पंजाब के बारे में, बट पंजाब की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि पंजाब पूरी दुनिया से अलग है और पंजाब जैसा कोई नहीं है। अ लॉट टू डिस्कस इन दिस वीडियो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और पंजाब की सबसे बड़ी सिटी है लुधियाना। पंजाब में टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एग्रीकल्चर में सबसे मशहूर और सबसे आगे है पंजाब, और ये स्टेट फैला हुआ है 50,362 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में, और एरिया के हिसाब से ये स्टेट इंडिया में 20th नंबर पर आती है। और इस स्टेट की पॉपुलेशन है 2,77,000 के आसपास। पंजाब का HDI स्कोर बहुत ही बेस्ट है, जो की है 0.731, और ये बहुत हाई में आता है। आज के टाइम में पंजाब अपने देश में सबसे ज्यादा पैसा लेके आता है, क्योंकि हर साल लाखों लोग एब्रॉड जाते हैं स्टडी और वर्क के लिए। तो अगर बात महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात की कर रहे हो, तो इन सबसे आगे पंजाब ही है और नंबर वन है। दुनिया के जितने भी बड़े और डेवलप कंट्रीज हैं, लाइक USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन सभी देशों में जितने भी इंडियंस लोग काम करते हैं, उन सब में सबसे ज्यादा पंजाबी ही हैं, और इन सभी देशों में रुतबा ऊंचा किया है सिर्फ पंजाबियों ने। इंडियन आर्मी पर तो सबको प्राउड फील होता ही है, क्योंकि इंडियन आर्मी दिन रात हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हम आराम से सो पा रहे हैं। लेकिन इंडियन आर्मी में जितने जवान हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा संख्या पंजाबियों की ही है, क्योंकि पंजाब का ये शुरू से ही इतिहास रहा है कि देश के लिए कुर्बानियां देना, और इस बात से हम बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं। और शायद यही बड़ी वजह है जिससे भारत में मिलिट्री अवार्ड से सबसे ज्यादा सम्मानित पंजाबियों को किया है, और ये पंजाब के लिए बहुत बड़ी शान की बात है। कबड्डी आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। इस स्पोर्ट को अब इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाता है, और सारे वर्ल्ड कप्स भी अभी तक इंडिया नहीं जीते हैं, लेकिन कबड्डी की शुरुआत पंजाब में ही हुई थी और आज ये पूरी दुनिया तक पहुंच गई है। ज्यादा लोग यही सोचते हैं कि पंजाब को सिर्फ पंजाबियों के लिए ही बनाया गया है, बट ऐसा नहीं है। पंजाब में सिर्फ 61% ही सिख हैं और बाकी हिंदू और मुस्लिम हैं। और यूनिक बात यह है कि इस स्टेट में सभी धर्मों के लोग मिल बांट के रहते हैं। यहाँ के गुरुद्वारे सभी धर्मों के लिए खुले रहते हैं, तो चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम, सभी को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। पंजाबियों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी जमीन, और एग्रीकल्चर में सबसे आगे है पंजाब, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहाँ के फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाबियों के पास जमीन बहुत ज्यादा है। बाकी स्टेट्स के कंपेयर में सबसे ज्यादा जमीन के मालिक पंजाबी ही हैं, और पंजाब में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास 3 से 5 करोड़ तक की जमीन होना बहुत ही नॉर्मल बात है। इस स्टेट की जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ और बेस्ट माना जाता है फार्मिंग के लिए, और यहाँ के वेदर क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। सदियों से ही पंजाब का कल्चर पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। यहाँ के सॉन्ग्स की बात करें या इनके भंगड़े की, और ये पहचान आज भी उतने ही हाई लेवल पे है। अगर आपको सबसे बढ़िया रंग जमाना हो, तो पंजाबियों से बेस्ट आपको कोई नहीं मिलेगा। भंगड़ा, जो कि डांस फॉर्म है, पंजाब में बहुत फेमस है, और पंजाबी लोग डांस बहुत खुल के करते हैं, और इनके एंजॉय करने का लेवल भी बहुत बढ़िया होता है। आई एम श्योर कोई भी पंजाबी आपको बोर नहीं होने देगा। पंजाब एक एजुकेटेड स्टेट है, ये बात तो सभी जानते हैं, बट यहाँ पर लड़कियों को भी उतनी ही प्रेफरेंस मिलती है जितनी लड़कों को मिलती है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत इंटेलिजेंट होती हैं और बहुत स्मार्ट होती हैं, और लड़कियों की लिटरेसी रेट भी ऑलमोस्ट लड़कों के बराबर ही है। 2018 में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता लगाना था कि इंडिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत, लॉयल और स्मार्ट लड़कियां कहाँ हैं, तो उसमें नंबर वन की रैंकिंग पंजाब को मिली थी। दूसरी ओर सबसे ज्यादा स्मार्ट लुक वाले और डिफरेंट एंड हाई लेवल पर्सनैलिटी वाले लड़के भी पंजाब के ही माने जाते हैं। वैसे तो मैरिजेज में बात करें तो बहुत ही स्टेट्स हैं जो नंबर वन पर हैं, बट कई अथॉरिटीज ने पंजाब की मैरिजेज को भी बेस्ट माना है, और इसकी शायद सबसे बड़ी वजह ये है कि पंजाबी मैरिजेज में बहुत पैसा स्पेंड करते हैं। इस स्टेट के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें जानी है, बट मेन प्रॉब्लम जो पंजाब हमेशा से एनकाउंटर करता आ रहा है, वो है सुसाइडल रेट ऑफ फार्मर्स। पंजाब में हर साल बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड करते हैं, और इसका एक ही रीजन है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बिल्कुल भी सपोर्ट और कॉर्पोरेट नहीं करती फार्मर्स के साथ। रिसेंटली प्रोटेस्ट में आपने देख लिया होगा, बट स्टिल सभी फार्मर्स ऑफ इंडिया ने मिलकर जीत हासिल करी। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, UP, राजस्थान और बाकी जितने भी फार्मर्स जिन्होंने साथ दिया, सभी ने मिलकर ये जंग जीती, और जो फार्मर्स शहीद हुए उन्हें हमारा नमन। द लास्ट फैक्ट एंड इम्पोर्टेंट वन, पूरी दुनिया में सिख जहाँ पर मत्था टेकने आते हैं, द हार्ट ऑफ सिख्स, जी हाँ, गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब, AKA गोल्डन टेम्पल। सिर्फ सिख नहीं, इस दुनिया के कई लोग हर साल आते हैं और माथा टेकना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ लंगर पूरे साल चलता रहता है, कभी नहीं रुकता,
पंजाब में जितने भी गुरुद्वारे हैं उन सभी में लंगर पूरे साल चलता रहता है और कोई भी कभी भी आके लंगर छक सकता है। तो चाहे कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, यहाँ सबको एक समान माना जाता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।